मिलता था पीपीटी है कर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ऑडिबल टू एवरी वन? आई एम ऑडिबल? यस यस मैम, मैडम, ओके, यस मैम, यस मैम, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. गुड मॉर्निंग टुडे वी विल स्टार्ट विथ अवर प्री पी एच डी कोर्स वर्क. विद द फर्स्ट रिसोर्स पर्सन ऑफ अवर कोर्स वर्क इज डॉक्टर निखिल अटाळे सर. सर, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ यू जी सी एच आर डी सी नागपुर एंड फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन दिस प्री पी एच डी कोर्स वर्क. वेलकम डॉक्टर निखिल सर. इट्स माई ऑनर टू थैंक यू मैडम. इंट्रोड्यूस डॉक्टर निखिल अटाळे सर. फ्रेंड, सर हैज़ डन हिज पी एच डी एम बी ए इन कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड ही हैज़ टोटल 25 ईयर्स एंड मोर एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ऑफ विच 18 ईयर्स इज ओवरसीज एक्सपीरियंस विथ लीडिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर एंड थाईलैंड इन सीनियर मैनेजमेंट पोजिशन एज इन सीनियर चीफ फाइनेंस ऑफिसर. ही इज अ विजिटिंग फैकल्टी एट लीडिंग बी स्कूल्स इन थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर. ही इज एक्सपर्टीज इज इन कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड ही हैज डिलीवर्ड ओवर 100 लेक्चर्स एट वेरियस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस. इन इंडिया ही इज एसोसिएटेड विथ आर टी एम नागपुर यूनिवर्सिटी एज वेल एज अमरावती यूनिवर्सिटी एज अ विजिटिंग फैकल्टी एट डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड इन अवर इंस्टीट्यूट एज वेल. ही इज एम्पैनल्ड एज अ ट्रेनर फॉर वेरियस कोर्सेस बेस्ड इन सेंट्रल इंडिया. ही इज अ मास्टर ट्रेनर एट लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया. फ्रेंड्स, सर विल कवर मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट वन टू नेम फ्यू लाइक मीनिंग ऑफ रिसर्च, मोटिवेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रोसेस, थेरोटिकल फ्रेमवर्क, कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल एंड एथिकल इश्यूज. विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन आई वंस अगेन वेलकम यू सर एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एनलाइटन द पार्टिसिपेंट्स. ओके, थैंक यू प्रीति जी फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन. थैंक यू सर. ओके, सर गुड मॉर्निंग एवरीवन. सर स्क्रीन इज स्टिल शोइंग स्टार्टिंग टू शेयर कंटेंट्स बट पीपीटी इज नॉट येट विजिबल सर. अरे माझ्याच्या दिसते मला पीपीटी. हो का येस सर. येत नाही का कॅन अजून? नाही सर, अजून नाही आला. फ्रेंड्स, कॅन यू सी द पीपीटी? नो मॅम. नॉट येट सर, अजून इकडे दिसत नाही आहे. मी एकदा परत स्टॉप करून शेअर करू का? येस सर. ओके ओके, होल्ड हो ना. जी सर. मला वाटलं दिसतंय, एक नाही सर, ते मिनिट प्रोसेस मध्येच दाखवत होतो. एक मिनिट, स्क्रीन. आता दिसतंय का मॅडम? हो सर, आता पीपीटी ओपन कराल. एक मिनिट, पीपीटी दिसतंय आता? सर, तुमचा डेस्कटॉप दिसत आहे पूर्ण. हो, आता मी उघडतो ते फोल्डर. एक मिनिट. हा,
डेस्कटॉप दिसतंय ना माझा? येस सर, येस सर. तुम्ही रिसर्च प्रोसेस वर एक्विटी क्लिक ओपन केलं. होते. हो प्रोसेस वर क्लिक हो ते तर झालं, ओपन झालं आता. प्रेझेंटेशन मध्ये पण खूप स्लाइड्स आहेत ना. नाही, हा याच्या आता दिसतंय का हे अंडरस्टँडिंग रिसर्च वाला? हो सर, स्लाइड्स शो दिसतंय. करून घ्या. एक मिनिट, आता याचा मी हे करतो, स्लाइड शो करतो. आला आता. येस सर. सर आपलं 1:30 वाजेपर्यंत आहे, तर ओके, इज आपण, इट? हो, हां तर आपण मध्यात थोडा 5-10 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ, जसं तुमचं टॉपिक संपेल तसं. अगदी अगदी ओके अगदी शुअर. अँड सर, आपण प्रिफरेबली इंग्लिश आणि ओके. हिंदी करूया, प्रेफर लँग्वेज. हो, येस 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 ओके येस ओके सर, प्लीज येस, कम. अगदी अगदी शुअर. ओके ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग सर. टुडे मॉर्निंग सर. वी विल या वी मॉर्निंग विल गुड डिस्कस मॉर्निंग अबाउट सर. द बेसिक रिसर्च प्रोसेस. ओके, लेट्स मेक इट एज अ इंटरैक्टिव सेशन सो दैट यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम मी, आई कैन ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम यू. वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू, देर इज नथिंग न्यू, यू ऑल नो. But only thing that we have to understand is that, number one, while conducting our doctoral dissertation, we strictly adhere to the quality norms prescribed by the university. Secondly, we follow the ethical principles, which we will discuss tomorrow. And thirdly, and most importantly, whatever exam you are going to appear after these sessions, like on 7th or 8th or 9th day, you have to pass that examination, then only you will be eligible to submit your dissertation, right? So during my presentation, whichever points are important from the exam point of view, I will emphasize. So kindly take a notepad and a pencil and note those issues. Kyunki agar aap sab kuch jante hai par aap exam mein pass nahi hote, to duniya ke liye aap fail ho. तो एग्जाम में पास होना उतना ही जरूरी है जितना हमें क्वालिटी काम करना है, राइट? सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट सेशन. आने वाले 3 सेशन जो होंगे वो थोड़े अलग लेवल के होंगे. हम बेसिक जानकारी लेंगे, मोटिवेशन क्या है रिसर्च के उसके बारे में जानेंगे, प्रोसेस कैसी करना है उसके बारे में भी जानेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्लाइड, द मोटिवेशन फॉर रिसर्च. व्हाई डू वी कंडक्ट the research? Okay, Albert Einstein said that agar humko pata hai ki hum kya kar rahe hai to wo research nahi hai, right? Angrezi mein usko bola jayega exploratory research. Every person who is conducting a research is trying to explore something. अगर आपको मालूम ही है क्या है तो आपको फिर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. यू ऑलरेडी नो द आउटकम, यू ऑलरेडी नो द प्रोबेबल इम्प्लीकेशन. सिंस वी आर टारगेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर समथिंग विच इज अननोन, अनआइडेंटिफाइड. तो पहला बेसिक प्रीमाइस आता है, हम सब लोग रिसर्च करते समय कुछ खोज के लिए तैयार होते हैं. वी आर on the way to explore something, to find out something. So agar aapke topic mein agar aisa kuch hai ki jo aap already jante ho, to probably it may not be construed as a proper research. Okay, then let's understand the definition of research. Hum usko do tarike se dekhenge. The first one is a academic research, jiske liye hum aaj yahan pe aaye hue. सेकेंड वन इज अ अप्लीकेटरी रिसर्च, जिसके बारे में मैं कल वाले सेशन में भी बात करूंगा, आज भी थोड़ी बहुत बात करूंगा. ओके, सो द एकेडमिक रिसर्च दैट वी कंडक्ट, वेदर इट इज अ एम फिल रिसर्च और इवन द एम बी ए लेवल रिसर्च, दे आर गाइडेड बाय द यूनिवर्सिटीज रूल्स. व्हेन इट कम्स टू द पीएचडी, इट इज controlled by or it is guided by the
UGC ordinance and at the same time the guidelines issued by the university, respective university, from time to time. So as a PhD candidate, you must read the UGC ordinance and the guidelines at least once in a 5 year so as to know that you are on the right track. Okay, now research जो होता है वो बहुत डाइवर्स इन नेचर होता है. एकेडमिक रिसर्च में किसी भी कैंडिडेट को कोई भी टॉपिक पे रिसर्च करने की परमिशन दी जाती है. नाउ व्हेन वी लुक एट कोई भी टॉपिक, यस इट कैन बी यू नो टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज, लुकिंग अबाउट द एलियंस, इवन लुकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन द लाइवलीहुड, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो रिसर्च कैन बी डाइवर्स. आप इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च भी आप कर सकते हो. व्हाइल कंडक्टिंग द रिसर्च इन एकेडमिक रिसर्च प्रिफरेबली द एम्फोसिस इज गिवन ऑन द वर्ड रिसर्च. मतलब उसको फिर से जाके खोजो. व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स दैट वी डोंट वांट कैंडिडेट टू री इन्वेंट द व्हील. Rather, if somebody has done some study, say किसी कैंडिडेट ने 1980 से 1990 में एक फलाने टॉपिक पे रिसर्च किया है, तो आप उसी टॉपिक पे दोबारा 2010 से 2020 तक आप रिसर्च कर सकते हो. Obviously using different method, some tweak method, और because of the time series आपको एक अलग डेटा मिलेगा, right? तो रिसर्च का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई नया ढूंढना है. रादर जिन लोगों ने पहले काम किया है उस काम को आप आगे बढ़ा सकते हो और एक नई दिशा दिखा सकते हो. एंड दैट्स व्हाई द इम्पोर्टेंस ऑफ री इन रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इज वेरी सिंपल. उसमें चार पहलू होते हैं. One is to find the answer. Two, it has to be organized. Third, it has to be logical. And fourth, it has to be systematic. Right? So, finding answer to questions that you are studying in an organized, logical and systematic fashion. Marathi madhe logical la tarka manto. Right? Unless and until there is a logical argument is there in your research, then the value of research goes up. But अगर आपके रिसर्च में लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ही नहीं तो वो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा जो एक किताब के तौर पर देखा जाएगा, है ना. जैसे हमारे टेक्स्ट बुक होते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, बहुत कम जगह उसमें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आती है. सो आई वुड रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू टू बिल्ड दैट लॉजिकल कंपोनेंट while analyzing, specially the conclusion, finding, recommendation chapter. Okay, at the same time, the logical argument can also be built in a research literature review chapter, research methodology chapter, right? Why you are choosing a particular method, why you have designed research in a particular way, why you are taking x number of samples, so on and so forth. तो logical ये इसका core होता है. अक्सर हमने देखा है कि candidate को लगता है कि research करने के बाद वो सच्चाई के पास पहुंचेगा. ये सरासर गलत है या misleading है, गलत नहीं बोलूंगा, it is a misleading notion. On very rare occasion you will come closer to the truth, and when I say rare, it would be probably 0.1 or 0.2%. That's what my experience is. Take example of current corona vaccines around the world. So we have Covaxin here, then we have Covishield, then we have the Moderna, we have the Pfizer, we have the Sinopac, Sinopharm, then we have the Sputnik. राइट और अभी दो दिन पहले जॉनसन एंड जॉनसन का भी सिंगल डोज वैक्सीन आया है. अब आप जब ये डेटा देखते हो, सी आफ्टर टुडेज लेक्चर, ओके, यू हैव टू हैव दैट रिसर्च एक्यूमेन व्हेन यू लुक एट इट.
okay, I can tell you certain facts that not everybody is born as a researcher. You only know your own motivation why you are pursuing the PhD. वो आपको ही मालूम है आप क्यों करना चाहते हो. अगर मैं 100 का सैंपल लूंगा तो हार्डली 2 या 3 मुझे अच्छे रिसर्चर मिलेंगे, अच्छे अबव एवरेज. सो दोज हु आर गुड टीचर्स आर बैड रिसर्चर, दोज हु आर गुड रिसर्चर आर बैड टीचर, और जो कुछ भी नहीं है वो भगवान उसका सहारा है. तो रिसर्चर बनने के लिए वन ऑफ द प्री रिक्विजिट दैट इज अ क्यूरोसिटी, एबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन. आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों के या केबल टीवी वगैरह अगर आता होगा और आपने अगर पिछले 2 साल में देखा होगा तो एक हिस्ट्री चैनल पे जीनियस नाम का एक सीरीज आया था जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ऑल जीनियस पीपल बॉर्न, वो कैसे जीनियस बने उसका 2-2 घंटे का एपिसोड था. शायद आपको वो यूट्यूब पे भी कहीं देखने मिले. आप नहीं, आपके बच्चों को वो दिखाइए, राइट. सो The ability to go towards the truth requires commitment, passion, dedication. Okay? So, when I'm talking about the vaccine, we should know that the efficacy. Kuch vaccine ka 65% hai, kuch ka 78% hai, koi claim karte 91% hai. Do we get 100% efficacy ka vaccine? The answer is no. वैसे ही रिसर्च में आपको सच्चाई नहीं मिलेगी. अब वो कैंडिडेट क्या करता है, वो उसके पूरे जो हाइपोथेसिस होते हैं ना उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर डालता है. अब ये जानबूझ के होता है या एक्सीडेंटली होता है या उसके काम करने के से तरीके से होता है, दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर. तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए. हैविंग सेड दैट, आपको एकेडमिक रिसर्च में कई सारी छूट दी गई है. पहला, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है यू आर गारंटीड टू बी अवॉर्डेड अ पीएचडी डिग्री विद इन 5 ईयर प्रोवाइडेड यू सबमिट सेटिस्फैक्ट्री वर्क ऑफ रिसर्च टू आरआरसी कमिटी, राइट. सो आपको डिग्री मिलना तय है, आप फेल नहीं होते. दिस इज द ओनली एग्जाम प्रोबेबली वेयर पासिंग इज इंश्योर्ड. तो अगर यार पासिंग इंश्योर्ड है तो क्यों नहीं हम अच्छा काम करें, क्यों नहीं उसको हम जस्टिफाई करें. तो जस्टिफाई करने के लिए आपको वही डेडिकेटेड डेडिकेशन, पैशन, कमिटमेंट एंड ऑनेस्टी लगेगी एंड हार्डवर्क भी लगेगा, राइट. सो दैट इज द जर्नी टुवर्ड्स ट्रूथ विल नेवर बी दी 100%. इवन हम जब सोना खरीदते हैं, गोल्ड, वॉट इज द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड? 999.999. There is no such thing as 100% in the world. Kindly keep that in mind. 100% kuch bhi nahi hai except the death. Death is there. Everybody has to die. That is truth. But beside that, nothing is truth. It is an exercise. So while conducting a research, okay, you may get closer to the truth. You may even read the truth. I am not denying that. Ki aap nahin pahunchoge. Take example of farmer suicide. Farmer suicide pe itna research hua hai. Main bhi ek research team ka hissa tha Yavatmal ke. Kya hame sachchai mili? Agar hame sachchai mili, to kya aaj kisan khudkushi karna rok diya hai? The answer is no. Why? Because the farmer suicide in Maharashtra, farmer suicide in Vidarbha, in Punjab, in Gujarat, in Karnataka are due to the various reasons. We have listed out 29 reasons, primary reasons. Government ne bhi kuch kaam kiya hai, uske baad bhi ye nahi ho raha hai. So, point I am trying to tell you is that aap sachchai ke paas nahi pahunchoge. That leads to my next point. आपका रिसर्च जो होगा वो आपके स्पेसिफिक डोमेन में जो प्रॉब्लम है वो, अरे भाऊ माइक्रोफोन म्यूट कर, मलाई, अरे माइक्रोफोन म्यूट कर, ऑप्शन नहीं देता, म्यूट म्यूट म्यूट. पार्टिसिपेंट्स काइंडली म्यूट योरसेल्फ, समबडीज माइक्रोफोन इज ऑन.
आप फोन पे बात कर रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा, फिर मेरा लिंक डिस्टर्ब होता है. सो वॉट एवर रिसर्च वी आर कंडक्टिंग शुड एबल टू एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम इन अ स्पेसिफिक डोमेन. इन 2009 व्हेन कपिल सिब्बल वॉज द यूनियन एचआरडी मिनिस्टर, ही इन्वाइटेड ऑल द वाइस चांसलर्स टू न्यू दिल्ली. एंड ड्यूरिंग दैट मीटिंग अ डेलिब्रेशन केम दैट यूनिवर्सिटी शुड कंडक्ट द रिसर्च इन द एरियाज विच आर प्रॉब्लमेटिक. तो अभी मुझे बताइए, हम लोग नागपुर में है, विदर्भ हम उसको पकड़ लेंगे, हम गोंडवाना को भी ये नागपुरी समझेंगे, बट वी विल लिव अमरावती असाइड. ठीक है, वेस्टर्न विदर्भ जो है, वाशिम, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, उसको हम अलग रखेंगे टाइम भी. तो मुझे बताइए, नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, व्हाट आर दी प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, बताइए व्हाट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. क्या प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चरल क्या प्रॉब्लम समस्या सर वी है? आर फेसिंग एज द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड. और पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूनिवर्सिटी वी आर फेसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सर ओके, व्हाट एल्स, मला पूर्ण जिल्ह्या, पूर्ण 5-6 जिल्ह्यातले प्रॉब्लेम सांगा. व्हॉट एल्स वी फेस, व्हॉट आर दी प्रॉब्लेम इन नागपूर एरिया? वाटर क्राइसिस ड्रॉट वाटर क्राइसिस, वेरी गुड. व्हॉट एल्स, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, क्लाइमेट, व्हाट एल्स, और ट्रैफिक प्रॉब्लम्स सर, ट्रैफिक अनऑर्गेनाइज टेम्परेचर, सर्किट, एक्सलेंट. अनऑर्गेनाइज, और ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज ड्रॉट, सेक्टर, राइट, ड्रॉट, ड्रॉट, वेरी गुड. अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट, दे कैन नॉट गेट द प्रॉपर प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप. लैक ऑफ इंडस्ट्रीज सर, लैक ऑफ बिग इंडस्ट्रीज. यस, सो अभी आपको पता चल रहा है कि हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है. सो प्राइमरीली इज अ ड्रॉट, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, पोल्यूशन इन अ सिटी लाइक चंद्रपुर, देयर इज अ हेवी पोल्यूशन, एज समबडी सेड, राइजिंग टेम्परेचर. अगर आपने कल का अखबार पढ़ा होगा तो 10 साल में फरवरी में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था 28 तारीख को, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम. देर आर 100 ट्रैफिक कंजेशन समबडी सेड इन अर्बन एरियाज लाइक नागपुर, टू सर्टन एक्सटेंट इन अ स्मॉल सिटी लाइक वर्धा वी आर फेसिंग. सो जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारा रिसर्च ऐसा होना चाहिए कि हम इन समस्याओं का कहीं ना कहीं हल होने का कोशिश करें. ये 2009 को, 2009 को ये बोला गया, बट ये मैंडेटरी नहीं है. मैंने नागपुर में ऐसे भी स्टूडेंट देखे जो कश्मीर और आसाम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, विच इज अलाउड, बट इट विल बी बेटर कि अगर हमारे बच्चे हमारे एरिया में अगर रिसर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम एलिवेट होने के लिए वो उसका रिसर्च का काम आएगा. आई विल शेयर यू अ स्मॉल स्टोरी. इन 2016 वी वेर डूइंग सम वर्क इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट एंड वी हैव टू मीट द ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ दापोली कृषि विद्यापीठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. सो वी वेर देयर ऑन सम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट. वो हमारा सोशल साइंस का रिसर्च चल रहा था. सो ड्यूरिंग द मीटिंग दैट टीम ऑफ द वीसी आस्क अस विच इज द बेस्ट मैंगो इन इंडिया और अदर वर्ल्ड. सो ऑल वी नो दैट इट्स अल्फांसो, जो देवगढ़ सा है. दैट टीम स्माइल, दे से दे फाउंड अ न्यू स्पीसीज ऑफ मैंगो इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट विच इज 5 times बेटर देन अल्फांसो. सो वी वेर शॉक. वो रिसर्च टीम ने ढूंढा था, वो स्पीसीज उस समय कल्टिवेट नहीं होती थी, वो एक आइसोलेटेड जगह पाई गई, और रिसर्च करके पता चला कि ये अल्फांसो से 5 गुना बेहतर स्पीसीज है. सो अब उसके सैपलिंग बने, अब धीरे धीरे वो उसका कल्टिवेशन होके हमें शायद 2027 के बाद, मतलब आज और 7-6 साल लगेंगे, वी विल एबल टू टेस्ट दैट. सो दैट क्रेडिट गोज टू दी दापोली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. तो ऑफकोर्स फाइंडिंग समथिंग न्यू, इवन इफ यू टेक अ लुक एट सेट्रिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो अमरावती रोड पे है,
राइट इन लोगों ने भी मौसम्बी की कई स्पीसीज निकाली जो अपने ड्राई क्लाइमेट के लिए सुटेबल होती है. तो ऑफ कोर्स रिसर्च विल ऑलवेज हेल्प द लोकल एरिया, चाहे वो एग्रीकल्चर रिसर्च हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे साइंस का हो, या चाहे वो सोशल साइंस का हो. तो आप लोग जब गाइड बनोगे तो आपके पास जो भी आपका कैंडिडेट आएगा तो काइंडली कीप दिस इन माइंड कि काम करते समय लोकल एरिया के हमारे प्रॉब्लम को हम अगर एड्रेस कर पाए तो वो एक अच्छी उपलब्धि होगी. राइट नाउ सिंस वी आर सर्चिंग फॉर द ट्रूथ, लेट्स अंडरस्टैंड कि वेयर डज दिस क्वेस्ट केम फ्रॉम. इंसान ह्यूमन बीइंग्स आर अ वेरी क्यूरियस स्पीसीज. जब से हम लोगों ने इस धरती पे कदम रखा है, राइट फ्रॉम द एंशियंट मैन टू द सिविलाइजेशंस टू द ग्रेट एम्पायर्स टिल टुडे विच इज अ इंफॉर्मेशन एज, ह्यूमन हैव ऑलवेज एट द फोरफ्रंट ऑफ सर्चिंग फॉर द ट्रूथ. इट केम फ्रॉम अथॉरिटी, ट्रेडिशन और कस्टम. आप देखिएगा ड्यूरिंग द ग्रीक ईरा, राइट, वी हैड एरिस्टोटल, वी हैड पाइथागोरस एंड एन नंबर ऑफ सो कॉल्ड रिसर्चर्स हु डिस्कवर्ड वैल्यूएबल थिंग्स विच वी आर यूजिंग टूडे. वैसे ही वो क्यों हुआ, बिकॉज बैक देन द ट्रेडिशन कस्टम एंड अथॉरिटी वॉज अ ड्राइविंग फोर्स. आप अगर जयपुर का भी जंतर मंतर देखते हो तो वो राजपूत के टाइम में अथॉरिटी से बनाया गया. आप साउथ इंडिया के कुछ मार्वलस आर्किटेक्चर देखते हो या कोणार्क का टेम्पल देखते हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द किंगडम्स एंड अथॉरिटीज दे वर डूइंग दैट. बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आउटकम फॉर सर्चिंग द ट्रूथ वॉज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसको हम इम्पीरिकल बोलते हैं, इधर बाय ऑब्जर्वेशन और बाय एक्सपीरियंसिंग. ओके एंड दैट लीड टू एन नंबर ऑफ डिस्कवरीज. ओके मेनी अ टाइम आई जोकिंगली से टू माय एमबीए स्टूडेंट्स इन विदर्भ कि अगर आइजैक न्यूटन अगर हमारे कलमेश्वर का होता और संतरे के पेड़ के नीचे बैठा होता और ऊपर से संतरा गिरता तो हमारे विदर्भ के न्यूटन ने वो संतरा खाया रहता और कंप्लेन किया रहता कि यार ये खट्टा है. बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली हैपन विद द न्यूटन. व्हेन द एप्पल फेल डाउन ही स्टार्टेड थिंकिंग व्हाई इट केम डाउन एंड दैट लेड टू द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी विच वी आर यूजिंग टूडे, जी इज इक्वल टू 9.8. सिमिलरली आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है that also came from the personal experience. When he got into the bathtub for taking a shower, he could see that the volume of water which came out of the bathtub was more than the weight of his body. That led him thinking ki aisa kyun hua. To wahan se aaya concept of प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, कंसेप्ट ऑफ बॉयंसी, एन नंबर ऑफ चीजें उससे रिलेटेड आई. उसका एप्लीकेशन क्या हुआ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से एप्लीकेशन काय झालं, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सांगा ना, चुकले तरी काही हरकत नाही, तुम्हाला माहिती आहे उत्तर. It helped in designing. सांगा ना काय झालं, ट्रान्सपोर्टेशन शिप्स त्या डिझायनिंग मध्ये त्याचा यूज आला. व्हेरी गुड, बिकॉज प्रायर टू दॅट जहाज ही फक्त लाकडाची बनलेली होती. पीपल वॉट इन जनरल ह्युमन बीइंग थॉट दॅट आयर्न बीइंग द डेन्स मटेरियल will tend to sink in the water. म्हणून तुम्ही जे आपले महाराष्ट्राचे जे नौदलाचे जे प्रमुख होते, ज्यांनी सगळ्यात पहिले नेव्ही सुरू केली, कान्होजी आंग्रे, हे सगळ्यांच्या फ्लीट लाकडाच्या होत्या. द मोमेंट आर्किमिडीज प्रिन्सिपल केम, शिप्स वेअर मेड फ्रॉम द आयर्न. सो यू इमॅजिन
टायटॅनिक स्टँडिंग इन द मिडल ऑफ द ओशन और INS विराट स्टँडिंग इन द मिडल ऑफ द ओशन, यू शुड इमिजिएटली थिंक दैट अगर उस शिप का वेट 10,000 टन है तो वो शिप 10,000 टन से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर रही है, इसीलिए वो पानी में खड़ी है. सो पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एप्लीकेशन एन नंबर. मैं शाम को 6 बजे तक आपको एग्जाम्पल दे पाऊंगा बट टाइम इज नॉट अवर लक्ज़री टुडे. सो एनीथिंग, समटाइम यू मे, सम पीपल मे सी दैट त्यांना भूतप्रेत दिसतं. अगं दिसतं तर मग शोध ना, आणि शोधलं तर मग सायंटिफिकली सांग काय आहे. सो इन युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्सस ॲट ऑस्टिन द फिजिक्स स्टुडंट्स वॉन्टेड टू नो की आत्मा, आपण त्याला आत्मा म्हणू, त्याला भूतप्रेत नाही म्हणू, आत्मा. आणि आत्म्याला आपण इंग्रजीमध्ये म्हणू आत्मा कसा दिसतो तुम्हाला, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्योंकि आइन्स्टाइन ने क्या कहा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट गोज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो उन लोगों ने ये सोचा कि मौत के बाद अगर हमारा शरीर खाली हो जाता है जिसको हम दफनाते या जलाते व्हाटएवर, तो आत्मा निकल जाती है. नाउ दिस स्टूडेंट्स एट टेक्सास A&M दे वॉन्टेड टू नो वेदर इज इट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, वेदर द आत्मा एग्जिस्ट. सो हाउ डू वी डिस्कवर द आत्मा, सो दे डिजाइन अ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट एंड देन दे वेंट टू अ हाउंटेड हाउस ऑन द डे ऑफ नो मून नाइट. हे यूट्यूबवर तुम्हाला बघायला मिळेल, तुम्ही जर थोडा सर्च केला तर. अँड दे कुड ट्रेस अ बंच ऑफ एनर्जी अँड दे कुड शो इन देअर इन्फ्रारेड कॅमेरा दॅट दिस एनर्जी इज देअर अँड इट इज मूव्हिंग इन द हाऊस अँड दॅट्स वॉट वी कॉल इट ॲज अ भूत प्रेत ऑर आत्मा ऑर वॉट एव्हर इट मे बी, इट इज नथिंग बट अ एनर्जी. आपल्या शरीराभोवती सुद्धा एनर्जीचं वलय असतं साहेब. सो इट इज सायन्स, राईट. सो अगर किसी को पर्सनल एक्सपीरियंस आ रहा है और वो साइंटिफिकली अगर उसको जस्टिफाई करके बता सकता है तो वो रिसर्च एक्सेप्ट होगा. पृथ्वी गोल है कोणी सांगितलं होतं, हु वॉज द पर्सन हु सेड अर्थ इज स्फेरिकल, कोण था, गैलीलियो? नहीं, गैलीलियो नहीं, यू आर नियर, नॉट गैलीलियो. कोपरनिकस. कोपरनिकस, यस, कोपरनिकस, वेरी गुड. व्हाट हैपन टू हिम, काय झालं त्याचं? उसको मारा गया, उसको मारा गया. उसको क्यों मारा गया? बिकॉज ही सेड द अर्थ इज स्फेरिकल एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. But the authorities at that time in Greece said that earth is rectangular. And since authorities were the authorities, they said Copernicus is mad, is psycho, and he doesn't deserve to be alive. झालं काय, हे उदाहरण याच्या करता मी देतो, because Copernicus failed. Copernicus failed to justify, and since he failed to justify, there were no people who could buy his argument. So in any research, unless and until you justify it by scientific method, then only that outcome is accepted. Otherwise it becomes merely an opinion or a judgment. मी जर तुमच्यापैकी एखाद्या पार्टिसिपंटला म्हटलं की इथे बसलेला शंतनू हा मूर्ख आहे, तर असंही होऊ शकतं की मी रागात आहे, मला शंतनू आवडत नाही, आय हॅव अ ग्रज ऑन शंतनू. बट अगर मैंने साइंटिफिकली प्रूव्ह कर दिया की व्हॉट डू आय मीन बाय मूर्ख अँड वाय शंतनू इज मूर्ख, देन माय आर्ग्युमेंट हॅज अ सायंटिफिक बेसिस. सो इन एनी रिसर्च, unless and until it is scientifically justified, then it qualifies to be a research, otherwise it just become an exercise. Then of course there is a deductive and inductive method of conducting a research, which we call it as a scientific research or scientific inquiry.
Okay, now while conducting the research, you have to have a very high sense of imagination. मी तुम्हाला गमतीने म्हणेल, इमॅजिनेशन म्हणजे तुम्ही कटरीना कैफच्या मांडीत बसले आणि ती तुमच्या केसातनं हात कुरवत आहे, ते इमॅजिनेशन नाही. वॉट एव्हर टॉपिक यू हॅव चोझन फॉर युअर रिसर्च अँड टू वॉट एक्सटेंट यू कॅन स्ट्रेच युअर इमॅजिनेशन ऑन दॅट टॉपिक, बिकॉज ऑफकोर्स इमॅजिनेशन विल लीड टू नंबर ऑफ क्वेश्चन्स अँड क्वेश्चन्स विल लीड टू ऍक्ट, ऍक्ट विल लीड टू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज अँड एक्सरसाइज विल लीड टू सम काइंड ऑफ आउटकम. So you have to have that imagination, and that is what this great gentleman did. Okay, I sometimes feel not blessed. I should have been born during his era, probably I would have enjoyed more, but I cherish more about not only him, there are n number of researchers who are there even in India also. So imagination is this. Now research kartanna you have to have this five ingredients. First, as we have seen, systematic. What do I mean by systematic? Plan, niyojan kara, identify what you are going to work on, design how you are going to design your research in one particular way and why, then collect data and evaluate. These so called five sub parameters of systematic are equally important. Second, logical. You examine the procedure. If you are conducting an experiment, or you are observing certain metadata, or you are getting some primary data from survey or some focus group discussion data or data from the secondary literature, whatever it may be, you evaluate that and then go for the conclusion. Okay, tarka. Third, empirical, which is rather easy. So I'm making my decisions based on the observation or data, right? So say for example, I'm seeing something like somebody said about the temperature rise. So abhi aapko Nagpur city ka kam se kam 100 saal ka temperature aapko milega monthly. पिछले 25 साल से आपको डेली टेम्परेचर भी मिलेगा, रेनफॉल भी मिलेगा. सो यू टेक द डेटा एंड यू एक्स्ट्रापोलेट द डेटा एंड यू मेक अ डिसीजन की काय होऊ शकतं. आता मी तुम्हाला याचं एक सोपं उदाहरण देतो. आपल्याकडे जनगणना होते, ज्याला आपण सेन्सस म्हणतो. सो इन बिकॉज आय वर्क एक्सटेन्सिव्हली विथ द स्टेट गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अँड honorary governor from time to time on social science research, we typically work on the education, healthcare and livelihood aspects. So aapko ye yaad rakhne ka hai ki ye jo schoolen banayi jati, hospital banaye jate, bridges banaye jate, raste banaye jate, iska basis kya hota hai? Iska basis hota hai census se aap population ko extrapolate karo. अपने यहां सेंसस 10 साल में एक बार होता है, तो अगर अभी 2020 में सेंसस बनेगा तो 2030 तक कितना पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा वो अंदाजा लगा के स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज बनाती है. तो जिसको भी हम डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा बोलते हैं. देन द रिडक्टिव, वेयर the general relationships are established from the data. Okay, so you have certain set of data in your research and you are trying to establish certain kind of relationship, provided you have tested those relationship using a statistical tool. So say for example, aapne koi research kiya aur aapne jo bhi aapke पैरामीटर थे या वेरिएबल थे, वो वेरिएबल का रिलेशनशिप आपने एस्टेब्लिश किया और इंटरप्रेट किया. अब कई बार क्या होता है कि अननोइंगली, जिसको हम ऑनेस्ट मिस्टेक बोलते हैं, कैंडिडेट से ऑनेस्ट मिस्टेक हो जाती है और वो वायवा के दिन फिर उसके ऊपर हंसी आती है. तो रिलेशनशिप जब हम एस्टेब्लिश करते हैं डेटा से,
आपको केयरफुल रहना है कि हाउ दोज रिलेशनशिप शुड बी इंटरप्रिटेड. सो आई शेयर वन ऑफ माय एक्सपीरियंस प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मे 5-6 इयर्स अगो. इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट का वायवा था, बिजली चली गई थी यूनिवर्सिटी में, गर्मी था, मई का महीना था, और फिर वो एक्सटर्नल आए थे बाहर गांव से, वो चालू हुआ दोपहर को वायवा. वो लड़की ने क्या किया था, सी हाउ स्मॉल मिस्टेक्स आर इग्नोर्ड. शी सेड विद द राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम द कंजम्पशन ऑफ शुगर इंक्रीजेस. अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है तो शुगर कंजम्पशन बढ़ता है, और शुगर कंजम्पशन बढ़ता है तो आपका वजन बढ़ता है, जिसको ओबिसिटी बोलते हैं, वो बढ़ता है. सो ए लीड्स टू बी, बी लीड्स टू सी, तो वो कैंडिडेट ने ये भी लिखा ए लीड्स टू सी. दैट मीन्स राइज इन डिस्पोजेबल इनकम लीड्स टू द इंक्रीज इन द वेट, विच इज इनकरेक्ट और पार्शली करेक्ट, है ना. तो रिडक्टिव में जब भी हम रिलेशनशिप निकालेंगे, अ कैंडिडेट हैज टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस नॉट टू मिसरिप्रेजेंट द रिलेशनशिप. देर इज नथिंग रॉन्ग इफ शी से ए लीड्स टू बी एंड बी लीड्स टू सी, देयरफॉर ए लीड्स टू सी. नो, इट कैनॉट बी justified scientifically. Now I share a very interesting fact with you. मैंने last batch में share किया था, अभी मेरे पास India का data आया हुआ है. December 2019 में जब वुहान में कोरोना का outbreak हुआ, तो लगभग मई के महीने में एक paper publish हुआ China में. और वो paper में ये लिखा था कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, उन लोगों को सबसे ज्यादा कोरोना हुआ है. सो आई वॉज लिटिल बिट इंट्रिक, अरे यार ये तो अच्छी फाइंडिंग है. सो वॉट एवर डेटा दे हैड, दे सेड दैट द ओ पॉजिटिव पीपल आर मोर प्रोन टू कोरोना वायरस. इंटरेस्टिंगली दो हफ्ते पहले इंडिया में एक पेपर पब्लिश हुआ है. अब वो पेपर में लिखा गया है कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो आप कोरोना के कैंडिडेट है. नो एज ए रिसर्चर आई बिकेम क्यूरियस व्हाई इन चाइना इज ओ पॉजिटिव एंड व्हाई इन इंडिया इज ए पॉजिटिव. इज देर एनी लॉजिक, हाँ कहीं तर्क आहे का हो याच्यात. संशोधनासाठी तुम्हाला प्रश्न पडला पाहिजे कि व्हायरस हा पर्टिक्युलर ब्लड ग्रुप बघून येतो आहे का, कि ज्या लोकांना झालं ते बाय लॉ ऑफ नेचर त्या ब्लड ग्रुपचे निघाले. वी डोंट नो द आंसर येट. इसीलिए ऐसे रिलेशनशिप आप एस्टैब्लिश करोगे और आपके थीसिस में लिखोगे तो वो साइंटिफिकली पार्शली इनकरेक्ट, वो करेक्ट तो मानी नहीं जाएगी, वो इनकरेक्ट भी नहीं माने जाएंगे, बट वो पार्शली इनकरेक्ट माने जाएंगे. हे लक्षात ठेवा. देन रिप्लिकेबल वेयर एक्शंस आर रिकॉर्डेड. आप जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या किसी फील्ड में जाके फील्ड वर्क कर रहे हो, कुछ एक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, होता है. सो ये पांच चीजें याद रहेगी. वी गो फर्दर. नाउ दिस इज आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू. इफ यू आस्क मी कि सर तुम्हाला कोणते रिसर्च सगळ्यात डिफिकल्ट वाटतं, माय आन्सर विल बी द रिसर्च रिलेटेड टू सोशल सायन्स. हे मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है. व्हाय? बिकॉज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाय दॅट. व्हेरी डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल, इट इज डिफिकल्ट. अँड इट इज एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट टू जनरलाइज इट अक्रॉस द ह्युमॅनिटी. जसं मी तुम्हाला शेतकऱ्यांबद्दल सांगितलं की यवतमाळचे प्रश्न वेगळे, पंजाबचे वेगळे, गुजरातचे वेगळे, तसंच सामाजिक शास्त्रामध्ये सुद्धा पूर्ण ह्युमॅनिटी करता रिसर्च चे इम्प्लिकेशन फार वेगळे येऊ शकतात. पण शेअर विथ यू, 2018
and it was published. So there was a study published in the Journal of Nature Communication, UK में, और वो study में ये पता चला जो लोग चश्मा लगाते हैं they are intelligent. अप्लाई कडे असे समाजामध्ये समज गैरसमज आहेत की चष्मा लावणारे लोक हे साधारण हुशार असतात. तर त्याला टेस्ट करण्यासाठी हा प्रकार यूके मध्ये झाला. हाऊ दे डिड दी युनिव्हर्सिटी ऑफ एडिनबरा दे ऑल्सो टूक दी कॉग्निटिव्ह अँड जेनेटिक डेटा ऑफ 300,000 पीपल बिटवीन दी एज ऑफ 16 to 102. ये सब चश्मे लगाने वाले लोग थे और ये वास्ट एज रेंज में थे. एंड आफ्टर एनालाइजिंग दैट डेटा दे फाउंड आउट दैट देर इज अ सिग्निफिकेंट जेनेटिक ओवरलैप बिटवीन जनरल कॉग्निटिव फंक्शन रिएक्शन टाइम मेनी हेल्थ वेरिएबल लाइक आईसाइट hypertension and longevity. So now they found out that there is a genetic overlap between these 300,000 people which were collected by a sample. Now they also found that people who were more intelligent were almost 30% more likely to have genes. So they say that chashma lavna he genes mule to ata baga. Now you will be surprised to know that chashma lavna doesn't mean intelligence. It may be also linked to the poor eyesight. Agar poor hoga, so does contradict the fact that can also have the positive health benefit. Jo pehle slide mein unhone bola tha, chashma laga ke unko correlation dikha, yahan pe ulta argument kiya ja raha hai. So at the end of the study, the researcher found a negative correlation between the cognitive function and number of health problem including angina, lung cancer and depression. Matlab the correlation was negative for certain parameters. Here we have to know that these are only the correlation and not a conclusive link. एज ए रिसर्चर आप लोग स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करोगे और आपके हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे. मेनी अ टाइम इन मोस्ट ऑफ द स्टडीज कोरिलेशंस आर यूटिलाइज्ड टू फाइंड द पैरामेट्रिक सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज. But are correlations a conclusive link? The answer is no. Correlation काय असतो? Correlation म्हणजे correlation किती असावा? What should be the value of correlation? Plus one to minus one to plus one के बीच में होना चाहिए. Very good. ये किसने ढूंढा correlation? कौन था इसका जनक? Carl Pearson. Very good. So we use Carl Pearson COC, coefficient of correlation, whose value is always between minus 1 to plus 1. Now, agar correlation ye conclusive link nahi hai, toh mera research kya kehta hai? This is a very funny part of the research. You may say that for certain time period, certain parameter go hand in hand. That means they have a positive to strong positive correlation. But during certain time period,
they go exactly opposite. That means they have a neutral to strong negative correlation. That means between minus 0.1 to minus 1, right? तो कोरिलेशन ये कंक्लूसिव लिंक नहीं होती है, ये ख्याल में रखिएगा। एकेडमिक रिसर्च में आपके हाइपोथेसिस इसी पे निकाले जाएंगे, आपको डिग्री भी मिल जाएगी, बट जब आप पोस्ट डॉक या प्रोफेशनल रिसर्च करोगे तो आपको इसको कंक्लूड करने के लिए और सब्सटेंशिएट करने के लिए और डेटा देना पड़ेगा। आप में से कई लोगों ने शादी की होगी, मैंने तो की नहीं, आई एम स्टिल बैचलर एट द एज ऑफ 50। हमारे यहाँ हमारे प्रथा में शादी करने से पहले क्या किया जाता है, वो पत्रिका मिलाई जाती है, उसमें कुछ गुण होते हैं, मार्क्स अपने मराठी मध्ये 35 गुण 36 गुण कहीं तरी असतात, मला माहित नहीं किती तरी गुण असतात, और जिसके गुण मैच होते मैक्सिमम उससे आपका टाका भिड़ाया जाता है। अगर आपके कुंडली में मंगल है तो मांगली गए तो फिर आपको मंगल वाले से ही शादी करनी पड़ती। ये क्या है सब, दीज आर कोरिलेशंस। अब मुझे ये बताइए, जिसके 35 आउट ऑफ 35 पॉइंट मैच हुए, क्या वो एकदम परमानेंटली खुश है उनके मैरिड लाइफ में? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। Why? Simply because they concluded the fact with the correlation, that doesn't make them the ideal husband and wife. उसमें astrology में भी science है और ये भी science है। तो correlation से conclude करना इससे बड़ा blunder नहीं हो सकता है, right? So kindly note this as a researcher. These are the links. आज ये correlation ऐसा है, कल क्या होगा मालूम नहीं। जैसा शिवसेना बीजेपी का कोरिलेशन 30 साल का था, वो ऑल ऑफ ए सडन अभी माइनस 1 हो गया। खैर पॉलिटिक्स में ये सब होता है, बट रिसर्च में हमें ध्यान में रखना है, इन एनी टाइम फ्रेम सर्टन पैरामीटर्स में हैव सर्टन कोरिलेशन एंड ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम फ्रेम दे में हैव द डिफरेंट कोरिलेशन। जैसा आपका बहुत अच्छा फास्ट फ्रेंड कभी कभी आपका बड़ा दुश्मन भी हो सकता है फॉर एन नंबर ऑफ रीजन, तो वो उसको आपको याद रखने का है, राइट? सो देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस दैट वेयरिंग द ग्लासेस वेदर यू नीड देम और नॉट मेक पीपल थिंक यू आर इंटेलिजेंट। एंड नंबर ऑफ स्टडीज हैव फाउंड पीपल दोज हु वेयर द ग्लासेस आर मोर डिपेंडेबल इंडस्ट्रियस एंड ऑनेस्ट। हे समज आहेत आणि हे समज आपण कोरिलेशन मधून इंटरप्रिट केलेले आहेत। आप में से कोई साइंस के लोग है क्या? इज देयर एनीबडी फ्रॉम साइंस? यस सर। ओके ओके, सो दिस इज जस्ट टू, ये आपको इसलिए बताया गया है कि आप जब रिसर्च करते हो कोई भी एरिया हो, ये साइंस का दैट टू इन अ कंप्यूटर साइंस, आई हैव शोन सम इलस्ट्रेशन फ्रॉम, बिकॉज साइंस इज अ वेरी डायनेमिक फील्ड एंड विद इन साइंस द आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस हार्डवेयर ये और भी डायनेमिक है। तो कोई भी रिसर्च करने से पहले आपको अप टू डेट रिसर्च करना है। सो यू सी हियर बिटवीन 1999 टू 2010 ये 20 साल के पीरियड में मैक्सिमम रिसर्च वॉज डन ऑन दी कंप्यूटर मेथोलॉजी, जो पीक हुआ 2008-09 में, राइट? सिमिलरली कंप्यूटर सिस्टम हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हार्डवेयर का रिसर्च ऑलमोस्ट खत्म हो गया, राइट? सॉफ्टवेयर का रिसर्च भी अभी ठीक ठाक है, एंड देन आपका एप्लीकेशन का रिसर्च चल रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का रिसर्च चल रहा है। सो जो भी लैंडस्केप में आप रिसर्च करने जा रहे हो उसका ट्रेंड अगर बदल गया हुआ है तो आपको उस ट्रेंड से रिसर्च करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखोगे, अभी जहां मैक्सिमम रिसर्च हो रहा है दैट इज अ येलो एल्गोरिदम, एंड सेकंड इज अ इंफॉर्मेशन साइंस, ये ऊपर वाला येलो, एंड देन द ब्राउन वन विच इज अगेन साइजेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दीज आर द कोर, एंड देन ऑफ कोर्स वी कांट इग्नोर द कंप्यूटर आर्किटेक्चर सो एंड सो फोर्थ। सो आप जिस भी फील्ड में रिसर्च करने जा रहे हो, स्पेशली साइंस के लोग, मेक श्योर कि इट फॉल्स इन द अप
टुडे कॉन्टेक्ट, यहाँ पे जस्ट टू गिव सर्टन एग्जांपल, जैसे 1995 में विंडो 95 आया और इंटरनेट की शुरुआत हुई, तो उस समय सिक्योरिटी, ऑडियो, मल्टीकास्टिंग, टेस्टिंग, वीडियो कोलैबोरेशन, राइट, वेरियस टूल्स, जब मल्टीमीडिया क्लस्टर बना, तो ये जितने बड़े ब्राउन वाले डॉट आप देख रहे हो उनका लिंकेज उतना वो रिसर्च कॉम्प्लेक्स हो, दीज आर सम ऑफ द इंटरफेसेस। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे, जैसे अभी हम WWW में आ गए, वर्ल्ड वाइड वेब में आ गए ये 2001 में, सो डेटा माइनिंग, यूजेबिलिटी, रिट्रीवल, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, हे असे वेगवेगळे विषय त्याच्यातून निघतात, आणि इंटरनेट क्लस्टरवर मग राउटिंग, आर्किटेक्चर, नेटवर्क, मॉड्युलरिटी, वायरलेस नेटवर्क, सिक्योरिटी सिमुलेशन, सो एंड सो फोर्थ। तो ये सब आपको IEEE, जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड है, IT से रिलेटेड, IEEE पे ट्रेंड मिलते हैं, तो रिसर्च उसी एंगल से करना पड़ता है। नाउ रिसर्च हैज टू बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड। ओके, जितना स्पेसिफिक आपका रिसर्च होगा उतना आपका आउटकम क्वालिटी का आएगा। आपका रिसर्च अगर स्पेसिफिक नहीं है तो आपका आउटकम वैसा नहीं आएगा, वो एक फ्लूइड आउटकम आएगा। मेजरेबल मीन्स क्वांटिफाइबल, अनलेस एंड अंटिल यू क्वांटिफाई द थिंग्स हाउ एम आई सपोज टू नो। सोशल साइंस में जैसा मैंने बोला, क्वांटिफिकेशन इज अ बिगेस्ट चैलेंज। ओके, 2014 में मुझे भूटान में जाकर थोड़ा स्टडी करने का मौका मिला ऑन दी हैप्पीनेस इंडेक्स, हाँ 2014 या 13 की बात होगी। एंड देन इन 2017 वी वेर डूइंग अ पायलट टू अप्लाई दिस हैप्पीनेस इंडेक्स टू दी फिशरमैन्स ऑफ दी कोस्टल रत्नागिरी, प्रोबेबली 153 किलोमीटर्स के जोन में। 2019 में पूरे महाराष्ट्र के ट्राइबल लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेट करने का जो कमिटी बना था उस पर मैं एक एडवाइजर करके एक दिन के लिए गया था टू एक्सप्लेन देम दी मैकेनिज्म। नाउ हैप्पीनेस इंडेक्स इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंडेक्स मेड अप ऑफ 169 पैरामीटर्स एंड सब पैरामीटर्स, सॉरी 27 पैरामीटर्स एंड 169 सब पैरामीटर्स। क्वांटिफिकेशन इज अ मस्ट, इफ यू कांट क्वांटिफाई देन आपका रिसर्च एक ओपिनियन होता है। क्वांटिफिकेशन के लिए आपको टूल लगेगा, से फॉर एग्जाम्पल आप प्राइमरी सर्वे कर रहे हो, प्राइमरी सर्वे में हम लोग सवाल पूछते हैं, वी आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, वेयर द आउटकम इज इन यस और नो, आपको चाय अच्छी लगी क्या, यस और नो, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे लगे क्या, यस और नो। इससे क्या होगा, मैंने कई बार देखा है कुछ पीएचडी के स्टूडेंट, वो वाइवा के दिन उनके थीसिस में बार चार्ट, पाई चार्ट होते, 70% सेड यस, थर्ड, पर ठीक है बाबा साले, आई एम नॉट सेइंग इट इज इनकरेक्ट, व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी, राइट। सो मेजरमेंट के लिए आपको क्वेश्चनर को ट्विक करना पड़ेगा। आप जिस तरीके से सवाल पूछोगे उसी तरीके से आपको जवाब मिलेगा, एम आई करेक्ट। आता थोड़ा मराठी मध्ये सांगतो, मला मराठी आवडतो जरा। आता तुमच्या बायकोनी पोहे बनवले, तिने सकाळी तुम्हाला पोहे दिले आणि तिने तुम्हाला विचारलं का पोहे कसे झाले, तुम्ही मान खाली ठेवून उत्तर दिलं बरे झाले, काय मिळालं बायकोला याच्यातनं, काही नाही मिळालं, राईट। आता बायकोनी उलटा प्रश्न विचारला, पाहू या पोह्यांबद्दल तुमचं काय मत आहे,
मग बाबाजी बोलायला लागेल का बा याच्यामध्ये कांदे कमी झाले, याच्यामध्ये तेलच जास्ती आहे, तिखटच कमी आहे, आणि दाणेच नाही टाकले आणि कमी शिजवले. अब उसको मिल गए इनपुट, राईट? टेल द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू पोज व्हाइल कंडक्टिंग अ रिसर्च विल अट्रॅक्ट काइंड ऑफ answers from the participant. So if you a closed-ended question, you will get a closed-ended answer. Rather, we wanted to know the open-ended aspect of the research. Now mind well, not all issues can be answered in an open-ended way. Some has to be kept closed-ended. तेवढंच ओपन आहे बरं का की उद्या तुम्ही सगळंच ओपन मध्ये टाकलं ना. जे क्रिटिकल आहेत ते ओपन एंडेड मध्ये गेले पाहिजेत. आणि कोणते क्रिटिकल? जहां आपका हायपोथेसिस लिंक है. मैं कई बार विश करता हूं कि ये कोरोना फोरोना खत्म हो जाए, हम लोग फिर से अपने एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में मिले और मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करूं. मला ही फार तळमळ वाटते आतून की तुम्हाला हे सांगू ब्लॅक बोर्डवर. तर तुमचे जे गृहित कृत्य आहेत हायपोथेसिस, अब मुझे हायपोथेसिस स्टॅटिस्टिकल टूल से टेस्ट करना है, राइट? तो अगर मुझे स्टॅटिस्टिकल टूल से टेस्ट करना है तो मेरे हायपोथेसिस से रिलेटेड जो सवाल मैं पूछूंगा वो ओपन एंडेड हो गए. अब वो ओपन एंडेड हो गए तो मैं उसको मेजर कैसे करूंगा? उसको मैं लिकार्ट स्केल पे मेजर करूंगा. 5.7.9 लिकार्ट. As a PhD student, I will take a 5-point Likert, which is easier version. Strongly agree, strongly disagree, no opinion, somewhat agree, somewhat disagree. झाले 5 point. आणि मग मी त्या प्रश्नावलीवरनं मी माझे ओपिनियन मेजर केले. स्पेशली कॉमर्स और मॅनेजमेंट वाले याद रखो, सबसे शॉर्टकट मारने वाले बच्चे आज तक मैंने देखे. पण तुम्ही त्याला करू शकता सुंदर पद्धतीने. राईट? लक्षात, ऑल युअर हायपोथिसिस अँड हायपोथिसिस रिलेटेड क्वेश्चन्स हॅज टू बी आस्क्ड इन अ ओपन एंडेड वे. ये मैं नॉन सायन्स के लोगों को बोल रहा हूं. सायन्स मध्ये रिसर्च करणं अत्यंत सोपं आहे बिकॉज सायन्स के लोग ही मेजरमेंट के ऊपर काम करते है ना. बाकी जो है हम हिस्ट्री लिटरेचर आर्ट्स कॉमर्स मॅनेजमेंट सोशल सायन्स इकॉनॉमिक्स आपण लोक क्वालिटेटिव्ह मध्ये जास्ती काम करतो, पण मग आपण त्याला क्वांटिटेटिव्ह मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. हे राहील लक्षात. वन मोर ऍस्पेक्ट ऍज अ रिसर्चर, वो मैं आगे बताऊंगा, आगे आएगा. थर्ड इज अ अचीवेबल. विद इन अ स्पॅन ऑफ 5 years यू शुड एबल टू कम्प्लीट युअर रिसर्च. फोर्थ इज अ रिलीवंट. आपको कोरोना के ऊपर करना है, नोटबंदी के ऊपर करना है, जीएसटी के ऊपर करना है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर करना है या मी टू के ऊपर करना है, इज अलाउड. पर कोई अगर लड़की बोलती होगी कि मुझे डाउरी के ऊपर करना है तो डाउरी इज नो मोर रिलीवेंट. हैविंग सेड दैट यू आर अलाउड टू डू रिसर्च ऑन डाउरी, नोबडी विल स्टॉप यू, बट मोर रिलीवेंट इज अ मी टू सेक्शुअल हरासमेंट अगेंस्ट द जेंडर, दैट इज मोर रिलीवेंट, यू कैन डू रिसर्च ऑन दैट. And fifth is a time bound, which is linked to the achievable. Within a span of 5 years, you should be able to complete. So, ye yaad rakho exam ke angle se smart. Again, while we are conducting a research, what is a basic motivation? Deep analysis. Deep and studies of relevant factor. कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं. हम लोग एलोपैथी की दवाई नहीं लेते, हम लोग होम्योपैथी की दवाई लेते. बट बाहर जब मैं था हिंदुस्तान के, मैं एलोपैथी लेता था, इंडिया में आके होम्योपैथी पे शिफ्ट हो गया. आप जब डॉक्टर के पास जाते हो वो क्या करता है, आपका पल्स लेता है या स्टेथोस्कोप लगाता है और आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब करके देता है. इसका मतलब क्या हो गया, वो उसके तजुर्बे के ऊपर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है. वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता था,
वो आपका पैथोलॉजी करेगा, ब्लड करेगा, यूरिन करेगा, और उसके बाद वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो वो हो गया डीप एनालिसिस और ये हो गया सर्फेसल एनालिसिस। सो रिसर्च करते समय जो भी आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है त्याचा सखोल विश्लेषण आणि त्याला संबंधित असलेले जे घटक आहेत त्याचा सखोल अभ्यास, ठीक आहे। देन हमारा रिसर्च एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से सपोर्टेड होना चाहिए, जो है में से पांच लड़कियों को मैंने एक किलो आलू दिए, क्या दिए, 1 kg ऑफ पोटैटो, और मैंने बोला आई नीड अ सब्जी विद इन 1 hour। सो माय इंस्ट्रक्शंस आर 1 kg ऑफ पोटैटो एंड 1 hour, दैट्स इट। एक घंटे बाद पांचों लेडीज लोग आए, किसी ने सूखा सब्जी बनाया, किसी ने रस्सा बनाया, किसी ने मिक्स बनाया और किसी ने और बनाया। सो विद दी 1 kg ऑफ पोटैटो ऑल दी 5 पार्टिसिपेंट हैव चोजन डिफरेंट मेथड। नाउ आई एज अ रिसर्चर आई वांटेड देम टू जस्टिफाई कि बाबा तुम्ही ती सुखी भाजी का केली, मग त्या मुलीचं उत्तर काय पाहिजे, प्रवासाला जाताना सोपी आहे, माझ्याकडे वेळ कमी आहे, किंवा आज आमच्याकडे श्रीखंड किंवा बासुंदी आहे म्हणून सुखी भाजी केली, दॅट इज अन एक्सलंट आन्सर। सो यू जस्टिफाय युअर मेथड वाय यू हॅव चोझन, और वो कहां से आएगा, फ्रॉम दी रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर, गॉट इट। देन कलेक्टिंग अँड डिस्क्राइबिंग दी डेटा अँड रिपोर्टिंग दी इन्फॉर्मेशन। दस ओवरऑल जो मोटिवेशन होता है रिसर्च करने का, कि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जुड़ी हुई जो अनसर्टेनिटीज है उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे लास्ट बैच में एक लेडी आई थी, वो मेडिकल टूरिज्म इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट का टॉपिक था, तो अनसर्टनिटी क्या थी वो टॉपिक से रिलेटेड, कि विदर्भामध्ये मेडिकल टूरिझमची वाढ का होत नाही आहे आणि त्या संबंधित असलेले कोणते घटक। तो आपका जो भी प्रॉब्लेम स्टेटमेंट है वो प्रॉब्लेम स्टेटमेंट इटसेल्फ आपको बताता है कि उसमें अनसर्टनिटी है, और उसी को रिजॉल्व करने का इज अवर मोटिवेशन ऑफ रिसर्च, जिसको हम कहेंगे साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग दी प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डेवलप करेंगे और डिफाइन एंड डिलिमिट करेंगे। अब ये सब हमारा हो गया है क्योंकि आपका सिनॉप्सिस बन चुका है, हमको उसके बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई करने हैं। काय असतो हो, व्हाट आर दी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सांगा बरं। काय असत, आपण म्यूट करके, व्हाट इज डिपेंडेंट, व्हाट इज डिपेंडेंट अँड व्हाट इज इंडिपेंडेंट डिफाइन प्लीज। अकॉर्डिंग टू मी इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स आर दी व्हेरिएबल्स विच आर नॉट अ चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस, ओके, and the dependent variables are those variables which are changing according to the changes in the circumstances. If there are changes in the circumstances, your variable may be changes. So I am a law student, sir. For an example, the definition of human right, the definition of human right is uniform in India, in US, right, or in UK also. So human right as rail, sir.
राईट युनिफॉर्मिटी इज देअर तर ते चेंज होणार नाही ह्युमन राईट मध्ये सर राईट पण डिपेंडेंट व्हेरिएबल राहिले सो दॅट मे बी चेंजेस की ते युके मध्ये वेगळं राहील युएस मध्ये वेगळं राहील आणि इंडिया मध्ये वेगळं राहील सर अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द डेफिनेशन सर एक्सलेंट 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 सो एनी व्हेरिएबल whose value does not change by external mean is an independent variable and the other variable whose value is prone to change by external mean is a dependent variable. Iska simple example main deta hu, aapke paas Honda Activa hai aur aapne Honda Activa ka accelerator 15 degree se upar kiya to aapki speed 20 km per hour se badhti hai. So the speed of Activa is dependent on the degree of accelerator. The higher the degree of accelerator, the higher is the speed. वैसे ही हम जब study कर रहे हैं PhD का हमारा doctoral dissertation, you must identify the set of variables which can be independent and which can be dependent. And based on that, हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स में अगर हम कहेंगे कि एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है तो वो हो गया यूनिवेरिएट अगर दो है तो बाईवेरिएट और दो से ज्यादा है तो मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स हम वो इस्तेमाल करते हैं टू गिव अनदर एग्जांपल से एज ए रिसर्चर आई एम क्यूरियस टू नो What is affecting the taste of my tea? मेरे चाय के टेस्ट पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज का आ रहा है एज ए रिसर्चर मैं जब भी मेरे MBA के बच्चों को ऑपरेशन मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ तो मेरा फेवरेट प्लेस होता है चाय की टपरी या कैंटीन वेयर लॉट ऑफ रियल लाइफ lessons कैन बी लर्न दिस थिंग कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू दी रिसर्च Now, I know that a tea comprises of utensil, milk, water, sugar, spices, and the heating element. So, as a researcher, अब मैंने इसको bifurcate किया. मैंने तीन चीजों को या चार चीजों को constant रखा. Best quality milk, best quality water, best quality sugar. बेस्ट क्वालिटी स्पाइस ये मेरे कॉन्स्टेंट रखे प्रपोर्शन जो है वो डिपेंड करेगा कोई कम ज्यादा मिक्स करेगा इट इज वेरिएबल मैंने मेरे बर्तन को वेरी किया स्टेनलेस स्टील कॉपर पीतल एल्यूमिनियम और मिट्टी का बर्तन और मैंने मेरे हीटिंग एलिमेंट को चूल्हा LPG सोलर और इंडक्शन अब देखो कितना घोटाला हो गया इसमें अब इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालूंगा तो वो हजारों में आएंगे बट स्टिल एज अ रिसर्चर आई वॉन्टेड टू नो वॉट इज अफेक्टिंग माई टेस्ट द मोस्ट सो मैंने एक मेथड से चाय बनाया और ये जो स्प्रेड किया हुआ मेरा जो है यूटेंसिल और हीटिंग मेथड सो आई गिवन सैंपल टू 1000 पार्टिसिपेंट एंड देन आई took their feedback on the Likert scale, okay? And at the end of my study, I ran the principal component analysis, yala PCA manto. Aur PCA se mujhe exactly pata chalega ki ye masala hai, ya ye combination of milk and pani hai, ya ye bartan hai, ya ye heating element hai, ya quality of chai ki patti hai. Exactly, I will able to pinpoint. जसं जी नवविवाहित सून असते ना तिची परीक्षा कशी घेतात की तिला पुरणपोळी बनवता येते का आता त्या बिचारीला तर येत नसेल आणि आजकालच्या ज्या आहेत 21व्या शतकातल्या सुना त्या तर इन्स्टंट आणि रेडीमिक्सवाल्या आहेत तर ती जेव्हा वयाची 40-50 गाठते तेव्हा तिच्या पुरणपोळीला चव यायला लागते तर ती अनुभवानी येते राईट तो यहां पर भी आप जब मल्टीपल व्हेरिएबल से डील करते हो तो काइंडली माइंड वेल रिसर्च करताना तुम्ही खूप कन्फ्यूज होऊन जातात म्हणून अगेन लिंक टू दी हायपोथेसिस
कि मैं हाइपोथेसिस में क्या देखना चाहता हूँ, मेरे वो कौन से वेरिएबल है, उसी हिसाब से मैं क्वेश्चनर बनाऊंगा और उसी हिसाब से मैं टेस्ट लगाऊंगा, वो चाहे मल्टीवेरिएट हो या बाईवेरिएट हो. गॉट इट? मग फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस इज नथिंग बट द एंटीसिपेटेड आउटकम. वी ऑल नो दैट बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग यू नो द आउटकम. आप लोग घर में भी कोई अगर मेहमान आने वाला होगा और आप कुछ पकवान बना रहे हैं तो आप थोड़ा चख के देखते हो जस्ट टू मेक श्योर कि कोई सरप्राइज ना होए. तो यू नो दैट कि ये ऐसा ही बनेगा. रिसर्च करते समय भी कैंडिडेट को मालूम होता है कि आउटकम क्या आएगा, लूजली मालूम होता है, तो उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं. आपको शायद कोई फैकल्टी आएगी और बताएगी कि इसको कैसा फॉर्मुलेट करना है, सो एंड सो फोर्थ. कलेक्टिंग द डेटा वेयर वी मैक्सिमाइज द वैलिडिटी ऑफ द डेटा, वी एनालाइज द डेटा एंड वी इंटरप्रिट द रिजल्ट. अब मैं ये पूरा एक साथ क्लिक करता हूँ सो दैट, अच्छा हाँ, सो दैट आपको एक ही टाइम में दिखेगा और मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा. इट्स वेरी इजी. ओके, सो वी स्टार्ट विद द सिलेक्शन ऑफ एरिया. इट कैन बी इकोनॉमिक्स, इट कैन बी फिजिक्स, इट कैन बी केमिस्ट्री, वॉट एवर इट मे बी. सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक, और वो टॉपिक के बाद आपने अपने आपको क्रूड रिसर्च क्वेश्चन पूछा, व्हाई यू आर चूजिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक और दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट एज ए रिसर्च स्टेटमेंट. इमीडिएटली आफ्टर दैट यू गो टू द लिटरेचर रिव्यू एंड ट्राई टू फाइंड आउट और डिग आउट वेदर यू गेट द आंसर्स टू योर क्वेश्चन, योर क्रूड क्वेश्चन. इफ यू गेट द आंसर यू डोंट नीड टू स्टडी, किसी ने ऑलरेडी वो किया हुआ है. अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो यू गो एंड रिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन, उसको रिफाइन कीजिए. वंस यू डू इट अगेन गो थ्रू द फेस थ्रू द लिटरेचर. जवाब मिल गया, नो नीड टू डू. नहीं मिला, थोड़ा रिफाइन करो और उसको अभी एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में ट्रांसलेट कर दो. इमीडिएटली आफ्टर दैट यू कम आउट विथ हाइपोथेसिस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. अभी मैं आपको एक अहम चीज बताऊंगा. आप में से जिन लोगों को लाइफ टाइम रिसर्च करना है उनको मरते दम तक उसको याद रखने का है. इन रिसर्च टाइटल ऑफ योर स्टडी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम. ये याद रखना. मैं कभी किसी का गलती से थीसिस देखता हूं तो सबसे पहले ये चेक करता हूं, अगर ये चारों एक लाइन में है तो कैंडिडेट को मालूम है वो क्या कर रहा है. इक्का दुक्का आगे पीछे होता है, अंडरस्टूड. कई बार तो ये चारों अलग डायरेक्शन में होते हैं तो पता चलना ये कहीं ना कहीं कंट्रोल सी कंट्रोल पी का मामला हो सकता है. एनीवे, सो गोल, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड. Then you have to come out with a design, how you are going to conduct a research. जो लोग फार्माकोलॉजी के हैं, जूलॉजी के हैं, मेडिकल साइंस के हैं, उनको इथिकल इशू ध्यान में रखना है कि आप किसी पंछी को मारेंगे, बिल्ली को मारेंगे, चूहे को मारेंगे, आदमी के ऊपर टेस्ट करोगे, तो वाइल डिजाइनिंग अ स्टडी दिस इथिकल इशू हैव टू बी फैक्ट ट्रेडिंग. जो कॉलम बात करेंगे इसके बारे में. देन कम्स दी पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग. मला सांगा बरा, सैम्पल किती असलं पाहिजे जरा बताओ तो मेरे को. एक पीएचडी के थीसिस में आपका सैम्पल साइज कितना होना चाहिए बताइए मुझे. मैं क्यों नहीं पूछूंगा, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए आपके हिसाब से, आपको जो लगता है सांगा. कितना? पचास,
100, 200, 300, 400, 500, 2000 द पॉपुलेशन एंड सैंपलिंग. देखो यहाँ पे जितने भी फ्लो चार्ट में स्टेप्स है ना भाई लोग, हर स्टेप पे गलती होती है सबकी, सबकी होती है. ओके हर पैरामीटर जो इसका है ना वो इंपॉर्टेंट है. अभी क्या हुआ, ये पॉपुलेशन सैंपलिंग के पहले का जो काम है ना ये आप कर चुके हैं सिनॉप्सिस में. मी एकदा कुलगुरु साहेबांना म्हटलं होतं की आपण सिनॉप्सिस लिहायच्या आधीच सगळं मुलांना शिकवू म्हणजे सिनॉप्सिस चांगले बनतील. पण ते काही होऊ शकले नाही, ते कुलगुरू चालले गेलेत मग नवीन आलेत मग ते झालं नाही, माझा टच गेला. तो आपका ये कार्यक्रम हो गया. हॅलो अभि यार आपको Your sample size may be depend on your research, sir. Sir, तुम्ही जर for an example एखादा social studies वगैरे तुम्ही करता आहे तर तुम्हाला हजारोनी सॅम्पल लागतील. But if your stand research studies relating to any industry or the, like that, तर तुम्हाला हजारोनी इंडस्ट्री तुम्ही कसा रिसर्च कराल त्याच्यामध्ये. सो इट मे बी डिपेंड अपॉन युअर रिसर्च ना सर, अकॉर्डिंग टू मी सर. ओके फाईन फेअर इनफ. सी रिसर्च करते समय ये पॉपुलेशन को हम पी बोलते हैं और सैंपल को एन बोलते हैं. अब जिन्होंने जो मैडम ने अभी जवाब दिया कि इंडस्ट्री का करते समय हाउ कैन वी अप्रोच 1000 इंडस्ट्री, फेयर इनफ, क्योंकि कैंडिडेट के पास पैसे नहीं है और टाइम नहीं है. क्या होता है, एज द एन अप्रोचेस पी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस. इफ एन इज इक्वल टू पी द कॉन्फिडेंस लेवल इज द हाइएस्ट. सो सैंपलिंग में भी आपको प्रीति मैडम बताएंगी, कोई फैकल्टी आके आपको पढ़ाएगी, बहुत सारे सैंपलिंग के टाइप्स है, स्ट्रेटिफाइड रैंक एकदम पडकळी येते आहे सिलेबस मध्ये आहे. जसं त्या मॅडमनी सांगितलं की तुमच्या टॉपिकच्या नुसार तुम्हाला कोणती सॅम्पल पद्धत सिलेक्ट करायची आहे हे तुमचा टॉपिक सांगेल. से फॉर एक्झाम्पल कपल ऑफ इयर्स अगो वी कंडक्टेड अ स्टडी ऑफ गवळी इन नागपूर डिस्ट्रिक्ट. Now the definition of gauri according to the state government is that any person jyachakade dupta janavar ahet kiman don, jo tyancha dudh kaadto ani swata te dudh vikto to gauri. Ma he zala purpose sample. We met all the gauris. There were 332 gauri in Nagpur district. Ti jatai ani ti jamat sudha hai. So aapke topic ke hisab se aapka sample banega. कई बार मैनेजमेंट में वो एक्सटर्नल पूछता है भाऊ सैंपल किती घेतला, अब पोरगा म्हणते 250, अब मी विचारला काउन 250 बा, और त्याच्याकडे उत्तर नहीं, त्याच्याकडे उत्तर नहीं. तो वायवा के दिन अगर किसी ने पूछा आपको कि भैया इतना क्यों लिया, बेटर बी प्रिपेयर्ड विद द आंसर. ओके बिकॉज हायर द सैंपल द लेसर विल बी चांसेस ऑफ एरर. द लेसर द सैंपल द हायर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ false interpretation and conclusion which you have given in your thesis. Hum log jab kaam karte hai UNDP World Bank ke liye, the rule of World Bank says that sample should be 5% of the population. Aap mein se agar koi curious hoge to Google pe jaiye aur type kijiye sample calculator. Google mein calculator aata, wo calculator hum istemal karte. Of course humko पैसा और समय दिया जाता है, समय तो नहीं मिलता है हमको, 6 महीने में हमको बहुत पैसा मिलता है तो हम लोगों को हायर करके सैंपल ले सकते हैं, राइट. सो अगर आप वो सैंपल कैलकुलेटर से जाओगे तो आपको पता चलेगा आपके इसमें कितना सैंपल आना चाहिए, और फिर आप अगर उसका 1/10 अगर ले रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल जो आएगा वाइवा लेने उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा. कारण होता काय आहे साहेब, तुम्ही तर फक्त 10 इंडस्ट्रीला व्हिजिट केली आणि तुम्ही कन्क्लुजनमध्ये सांगितलं की सरकारनी ही नियती ही पॉलिसी बनवावी. अरे तू 10 इंडस्ट्री में गया, तू काय को बता रहा ये चेंज कर वो चेंज कर.
अगर मैंने 15 लोगों को पूछा मोदी कैसा है और 15 लोगों ने बोला खराब है, तो मैं जाके बोल लू क्या राजीनामा द्या म्हणून? नाही. जर मी 134 करोड़ लोकांना विचारलं तर मी सांगेल विथ दी लेवल ऑफ कॉन्फिडन्स, बिकॉज हम रिसर्च में जब टूल लगाते हैं स्टेटिस्टिकल टूल, व्हाट इज अवर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस? 95%. जैसे मैंने बिगिनिंग में बोला था, देर इज नो सच थिंग एज 100%. तो मैं 5% का गलती तो वैसे ही ले रहा हूं. त्याच्यामुळे माझी नम्र विनंती आहे, मेहनत करा. 5 वर्ष खूप मोठा वेळ आहे बरं का. हां, तुम्हाला सुट्ट्या नाही मिळत तो वाग वेगळा आहे. हम लोग 100% रिसर्चर है, हम 24 घंटे काम करते हैं फील्ड पे, तो हमारे पास टाइम पैसा दोनों होता है. आपको मेरे रूल ऑफ थम से, दिस इज माय रूल, इट इज नॉट अ रिटन रूल, कॉमर्स मैनेजमेंट आपका सैंपल कम से कम 888 के ऊपर चाहिए, कम से कम. ज्यादा से ज्यादा 1444. ये मत पूछो सर ये कहां से आया, जब हम मिलेंगे तब मैं बताऊंगा, अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करना मुश्किल जाएगा. बट फॉर अ डॉक्टरल डिग्री. आता एक मुलगी आली होती शिंपी, इथे मला अकॅडमिक स्टाफ कॉलेजमध्ये भेटली. ती शिंपींच्या प्रश्नांवर करत होती आणि ती स्वतः शिंपी म्हणजे टेलर. शिंपी सुद्धा ही एक जात आहे आणि ते टेलरिंग. मी तिला म्हटलं बाई तू जाऊन सगळ्या शिंप्यांना भेट, ती फक्त काही शिंप्यांना भेटणार. म्हटलं नाही, तुला तुझ्या समाजावर अभ्यास करायचा आहे ना, जाके सबको मिल, तू सबको मिल, तो तेरे रिसर्च. मग तिला ते पटलं. तिने केलं का नाही मला माहीत नाही. आम्ही रत्नागिरी जेव्हा कोळी बांधवांचा अभ्यास केला, आम्ही सगळ्या कोळ्यांना भेटलो. मी महिनाभर रत्नावधीमध्ये जाऊन थांबलो होतो. तो विषय वेगळा होता, त्याच्याकरता राज्य शासन मागे होतं आमच्या, पैसा होता, सगळ्या सुविधा होत्या. पण तुम्ही जेव्हा आचार्य पदवीचा जो प्रबंध करता आहात ना, त्या सॅम्पलला थोडं जस्टिफाय करा, बस एवढीच विनंती. देन कम आउट विथ दी व्हेरिएबल. नाव हिअर अगेन दी बायस कम्स इन. ओके, रिसर्चर क्या बोलता है, अरे यार मैं ऐसा लूंगा वैसा लूंगा. होता है, गलती होती है, कभी बायस है जानबूझ के नहीं होता है, वो अननोइंगली हो जाता है. देन यू सिलेक्ट दी रिसर्च टूल. आर यू गोइंग टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट? आर यू गोइंग टू कंडक्ट प्राइमरी सर्वे? आर यू गोइंग टू कंडक्ट ईमेल सर्वे? आर यू गोइंग टू कंडक्ट गूगल फॉर्म? आर यू गोइंग टू कंडक्ट फोकस ग्रुप डिस्कशन? आपके हाइपोथीसिस को क्या लगता है? आप अगर बासमती चावल की बिरयानी बना रहे हैं, तो कौन सा आपको बर्तन लगेगा? चूहे पे करोगे, दम बिरयानी बनाओगे? ये टूल्स है आपके. टेक द टूल विद द लीस्ट बायस बरका. वो होने के बाद एक पायलट स्टडी करके देखो, 10-15 प्रश्नावली भरून बघा काय दिसतं. मग वर्क प्लॅन बनाओ, उसके बाद डेटा कलेक्ट करो, डेटा मॅनेज करो और इंटरप्रिट करो. मी आत्ता काय सांगणार होतो तुम्हाला ते मी विसरलो. हां, तुमच्या प्रश्नावलीमध्ये माझ्या अनुभवानुसार 27 वर प्रश्न नकोत. फर्गी मी हे मराठीत सांगतोय म्हणून, 27 के ऊपर सवाल नहीं चाहिए. आप बोलोगे सर आप भगवान हो क्या? नहीं, आपका हाइपोथेसिस क्या बोलता है उसी से रिलेटेड आप सवाल पूछोगे. आप एक बार एक स्टूडेंट थी, 450 सवाल थे, 12 हाइपोथेसिस थे. मैंने उसके गाइड को देखा, गाइड को प्रणाम किया. मैंने स्टूडेंट को ब्लेम नहीं किया, मैं कभी भी कैंडिडेट को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं गाइड को ब्लेम करूंगा. गाइड ने उसको बताया नहीं, खैर वो हो गया उसका वायवा खावा. पण हे बघा साहेब, असं असतं, जो डेटा पाहिजे तोच घ्या ना. तुम्हाला नाव गाव वस्तू प्राणी सिनेमा का पाहिजे डेटामध्ये? आपको अगर एज चाहिए, एज लो. एज लेते समय भी आपको दो ऑप्शन है, 40-50, 50-60 या 40-45. यू हैव टू डिसाइड वेरी वेरी कॉशियसली. समटाइम यू मे नीड एक्झॅक्ट एज, 48-57. तुमचा जसा टॉपिक आहे तसे प्रश्न. आय एम शुअर इथे सुद्धा तुम्हाला कोणतरी मदत करायला येईल. याच्या प्रत्येक स्टेप महत्त्वाच्या आहेत. एक स्टेप चुकीची झाली की कार्यक्रम गडबडीकडे जाऊ शकतो.
डेटा कलेक्ट केल्यावर आय विल रिकमेंड मोस्ट ऑफ यू और ऑल ऑफ यू टू यूज एक्सेल. आपके घर में एक्सेल खोलो, सेटअप में जाओ, एड ऑन में जाओ, टूल पैक ऐड करो, आपको पीएचडी थीसिस एनालिसिस करने के लिए सब टूल आएंगे. हेल्प फंक्शन में जाओ, वो फंक्शन समझो, वो टूल क्या है. यूट्यूब पे जाओ, उसका वीडियो देखो. फिर आपका डेटा आने के बाद डेटा को एनकोड करो कॉलम और रो में. वो फीड करके देखो पहले 10-15 वेरिएबल, चला के देखो क्या आता है. हाइपोथेसिस के साथ लिंक करके देखो, अगर ओके होता है वो करो. अगर आपके पास जैसा भी हम लोग काम करते हैं ना, हमारे पास हजारों में डेटा होता है, तो हम नागपुर में 5-6 अच्छे लोग हैं जो एनालाइज करके देते हैं एसपीएसएस से. आपका डेटा अगर बहुत ज़्यादा है तो आप यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ पे एसपीएसएस है, वो करो. वहाँ पे अगर भीड़ ज़्यादा है, आई वुड रिकमेंड गो टू ओस्मानिया हैदराबाद. वहाँ पे डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, वो आपको बैठा के करा के देंगे, समझ लेना. और कई लोगों का पैसे रून करायची इच्छा असते, आई विल लीव इट अप टू देम, देन कम टू द इंटरप्रिटेशन. सो ये स्टेप्स आती है, ठीक है. अभी हम लोग एक मैडम 10 मिनिटाचा ब्रेक घ्यायचा का? 12:05 झाले आहेत. हो सर, चालेल, 10 मिनिटाचा ब्रेक घेऊया. 12:15 आएंगे और ये खत्म करेंगे, और मैं 12:30 से 1:30 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लूंगा, ठीक है. शार्प 12:15, बरे का? ओके सर. ओके फ्रेंड्स, मीटिंग को लीव मत करिए, लेट इट एज इट इज. हेलो. और आपके सवाल जो हो गए ना, उसको मैं 10 मिनट दूंगा. आपके मन में जो भी सवाल हो गए वो लिख के रखो, वो भी पूछिएगा मुझसे एंड ऑफ द सेशन में, ठीक है. ओके सर. पार्टिसिपेंट्स, मीटिंग लीव नका करू, फक्त रिफ्रेशमेंटचा ब्रेक घ्या.